भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 130वीं जयंती पर बुधवार को भरत मिलाप चौक धर्मशाला बाजार पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने दीप प्रज्वलित करने के साथ बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करके केक काट कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल, समाज सेवी भानु मिश्रा, पार्षद बबलू प्रसाद गुप्ता उर्फ छट्टी लाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, हमारे बीच में सनातन हिंदू धर्म में कहा गया है, शुभ अवसर पर जगनैन सिंह नीटू साहब जो संचालन करेंगे आज के इस सभा का, वो भी आ चुके हैं। माननीय भानु प्रकाश मिश्रा वरिष्ठ समाज सेवी भी हमारे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। कहूंगा कि आप उनको बैच लगाकर और विशाल राव जी, विक्रम कुमार जी, उत्तम कुमार जी, सतीश कोरी जी, आकाश कुमार जी, ये सारे लोग तीन चार दिनों से, और सारे लोग, इन सारे भाइयों का यह स्वागत। अब दुर्गेश कोरी जी से बोलता हूँ कि आप आए, बोलूंगा कि जरा आप मंच पर आए। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म जयंती है और यहाँ इस वार्ड के पार्षद छट्टीलाल जी ने इसका आयोजन किया है, वार्ड के लोगों ने आयोजित किया है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पूरे जीवन पर, जहाँ जहाँ वो रहे, जहाँ पढ़े, जहाँ जन्म लिए, पंचतीर्थ जो बनाया उसके पहले किसी ने नहीं किया था। बाबा साहब को हमेशा ओट के रूप में प्रयोग किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न दिया और पंचतीर्थ बना करके भारत ही नहीं विदेश में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को जो है साकार किया, भारतीयों के सपनों को साकार किया। मैं आज के दिन उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जिन कार्यकर्ताओं ने भी मिलकर करके इसको किया है, यहां पर जितेंद्र सैनी जी हमारे हैं, भानु प्रकाश मिश्रा जी हैं, राजीव सिंह जी हैं जो हमारे पूर्व पार्षद भी हैं, इन सभी लोग जो मिल करके ये कार्य कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ।